हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर से हम एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास पेपर 5th 9th है, ऑप्शनल पेपर है, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में हमारे पास JPS वाली बुक है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम से है। और रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी दोनों की ही हमारे पास एक कॉमन बुक है। आज देखो, हमारे पास लेक्चर नंबर 3 में, लास्ट लेक्चर 2 में हमने इक्वेशंस नंबर 5 तक लिख के छोड़ा था, यानी ये हमारे पास लेक्चर 2 का ही क्या है, कंटिन्यूसली पार्ट है। ठीक है भाई, ये हमारे पास लेक्चर 2 का ही क्या है, कंटिन्यूसली पार्ट है। लास्ट टाइम हम इक्वेशन से 5 तक ला के छोड़ दिया था, ये डायग्राम और ये कुछ इक्वेशंस हमने आपको अच्छे से समझाया था। ओके भाई, अब देखो आपको इक्वेशंस 5 के बाद क्या करना है, ये रिजल्ट हम निकाल के ले आए। एक्स डैश इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू जेड डैश इज इक्वल टू एंड टी डैश इज इक्वल टू। अब वापस अगर मैं वो फ्रेम बनाना चाहूँ, पहले वाली फ्रेम ऐसे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, एक्स वाई जेड एंड टी, एक्स वाई जेड एंड टी। और दूसरी वाली फ्रेम इसके ऊपर है, उसके भी कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। अगर मैं इसको वी वेलोसिटी से इधर खींच ले गया तो ये मेरे पास फ्रेम आ गई इस प्रकार से, इधर जैसा मेरे पास ये बनाई हुई है। सपोज करो अगर मैं इस फ्रेम को और आगे तक ले जाऊँ, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स कर दूँ इधर, अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स करूँ जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश भी हैं, तो अगर ये मेरे पास फ्रेम मूव करके इधर आ गई, मूव करके जैसे ये इधर आएगी तो किसी टाइम एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो फील करो इस बात को कि अगर आगे वाली फ्रेम, क्योंकि आगे वाली फ्रेम को ही पकड़ के हम एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शंस की ओर ले जा रहे हैं, तो किसी टाइम इस पॉइंट के ऊपर आएगी, उस वक्त एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो बाकी 0 नहीं होंगे क्योंकि हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के अंदर ही चल रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि ऑल्सो सिंस व्हेन फ्रेम एस डैश मूव एक्स एक्स इन पॉजिटिव डायरेक्शंस, देन एनी टाइम टी एक्स डैश इज इक्वल टू 0। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ऑल्सो सिंस एक्स डैश इज इक्वल टू 0। समझ गए भाई, एक्स डैश इज इक्वल टू 0 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो फ्रेम है, ये वाली आगे वाली फ्रेम, इसको खिसकाते लाओ, किसी टाइम पॉइंट पी के ऊपर लाओगे, उस वक्त एक्स डैश क्या हो जाएगा, 0। वाई डैश जेड डैश टी डैश अपने चेंज होंगे नहीं क्योंकि हम एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शंस की ओर ही चल रहे हैं। तो इस लाइन को हम ऐसे लिखेंगे कि ऑल्सो सिंस एक्स डैश इज इक्वल टू 0। अब देखो आप जानते हैं कि एक्स डैश इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वी टी। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, तो यहां से एक्स डैश की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू क्या बच गया, 0। या फिर हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू वी टी। देखो या फिर हम क्या लिखेंगे भाई, एक्स इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, वी टी। कौन सी कंडीशन में आ गया हमारे पास है? जब एक्स डैश इज इक्वल टू 0 है। अब ये एक्स इज इक्वल टू वी टी रखो इक्वेशंस नंबर 3 में, ध्यान से अगर अपन देखेंगे तो एक्स डैश इक्वेशंस 3 में ही है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इस रिजल्ट को ध्यान से देख लेना भाई, बुक में इसको बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स डैश इज इक्वल टू α11 एक्स प्लस α41 इंटू टी। देखो एक्स डैश इज इक्वल टू α11 एक्स प्लस α14 इंटू टी। अब देखो हमारे पास एक्स डैश क्या है, 0। देखो एक्स डैश हमारे पास क्या है, 0। उस कंडीशन में एक्स इज इक्वल टू वी टी, अगर एक्स डैश 0 है उस टाइम में एक्स इज इक्वल टू वी टी। कब लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू वी टी, जब एक्स डैश इज इक्वल टू 0 है। और ये आगे वाला रिजल्ट ऐसा का ऐसा,
ठीक है, यहां हम रख नहीं सकते, यहां हम रख नहीं सकते, यहां हम x इज इक्वल टू वी टी नहीं रख सकते इक्वेशन 5 में, क्योंकि साइड में t डैश है, जबकि अपने को क्या चाहिए, x डैश चाहिए। तो कंडीशन आ गई कि व्हेन x डैश इज इक्वल टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस x डैश इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू वी टी। तो यहां x डैश में 0 रखूंगा, केवल और केवल मैं उसी कंडीशन में x इज इक्वल टू क्या रखूंगा, वी टी रखूंगा। अब देखो t को भेज दो 0 के अंदर, टी को 0 के अंदर भेजेंगे तो ये कितना बचेगा, एल्फा 1/4। देखो टी यहाँ से कॉमन 0 में आ गया, या फिर एल्फा 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई, एल्फा 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एल्फा 1/1 इंटू वी। यस, मेरे पास यहाँ से एल्फा 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई, एल्फा 1/4 इज इक्वल टू माइनस एल्फा 1/1 इंटू वी। इसको अपन मान लेते हैं एक बार इक्वेशन नंबर 6, इसको हम मान लेते हैं भाई एल्फा 1/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस एल्फा 1/1 इंटू वी। आप जानते हैं कि बाकी वैल्यू तो हमने निकाल ली क्वांटिटी की, केवल वैल्यू कॉर्नर वाली बच गई थी, एल्फा 1/1, एल्फा 1/4, एल्फा 4/1 और एल्फा 4/4। ठीक है, एल्फा 4/4, ये चार इक्वेशंस हमारे पास बच गई थी, सॉरी चार क्वांटिटी। तो हमारे पास रिलेशंस क्या निकल के आ गया, एल्फा 1/4 इज इक्वल टू माइनस एल्फा 1/1 इंटू वी। अब ये वाली वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, एल्फा 1/4 इज इक्वल टू माइनस एल्फा 1/1 वी, माइनस एल्फा 1/1 वी, ये वैल्यू वापस आप इक्वेशंस नंबर 3 में रखो। तब हम क्या बोलेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन, अगेन फ्रॉम इक्वेशन, अगेन फ्रॉम इक्वेशन से 3 एंड 6, अगेन फ्रॉम इक्वेशन से 3 एंड 6। ये क्या बोल रही है, 3 की इक्वेशन, एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा 1/1, एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा 1/1 एक्स प्लस, देखो एल्फा 1/1 एक्स प्लस एल्फा 1/4 टी, और एल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, एल्फा 1/4 की, माइनस एल्फा 1/1, या एक बार पूरा लिख लो, प्लस एल्फा 4/1 इंटू टी। देखो एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा 1/1 एक्स प्लस एल्फा 1/4 टी, एल्फा 1/4 की वैल्यू यहाँ से शिफ्ट कर दो, यहाँ से बोल दो आप यहाँ से कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये लैंग्वेज लिखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ एल्फा 1/4 फ्रॉम इक्वेशन 6 इंटू इक्वेशन 3, इंटू इक्वेशन 3 वी गेट, इन टू इक्वेशन 3 वी गेट एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा 1/1 एक्स, इसकी जगह ये रख दो। दोनों में मैं एल्फा 1/1 कॉमन ले लेता हूँ, तो एल्फा 1/1 कॉमन लिया तो कितना आ गया, एक्स माइनस वी टी। देखो एक्स डैश की जगह वापस हमने एल्फा 1/1 कॉमन लिया तो कितना आ गया, एक्स माइनस वी टी। अगर आप वापस एक्स इज इक्वल टू वी टी रखना चाहो तो ये कितना बचेगा, 0, 0 इंटू एल्फा 1/1 0, एक्स डैश इज इक्वल टू 0, वापस हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक्स डैश इज इक्वल टू 0 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा 1/1 इंटू एक्स माइनस वी टी। बुक्स में ये बीच की सारी स्टेप्स कहा गया था, बुक वाले ने लिख दिया कि सिंस एक्स डैश इज इक्वल टू 0 सो एक्स इज इक्वल टू वी टी, सो एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा 1/1 एक्स माइनस वी टी। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 7। तो आप यहाँ तक उतारो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 तक, बाकी सभी इक्वेशंस आप ध्यान में रखोगे। तो मैं यहाँ से इक्वेशन 1 को मैं ऐसे ही याद रख लूँगा अगर ज़रूरत हुई तो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एल्फा 1/4 इज इक्वल टू माइनस एल्फा 1/1 इंटू वी इक्वेशन 6, एंड एक्स डैश इज इक्वल टू, एंड एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा 1/1 एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा 1/1 एक्स माइनस वी टी। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 7। ठीक है भाई, तो हम आ चुके हैं इक्वेशन 7 तक। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब हमें मुख्य उद्देश्य आपको पता ही है, इन चार की वैल्यू निकालो और अपना आंसर से काम बन जाएगा। तो चलो अब देखो हमारे पास नेक्स्ट इसके आगे क्या लिखना है, यहाँ आगे हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट लिखना है, वो भी हमारे पास
कॉन्स्टेंसी ऑफ ए स्पीड ऑफ लाइट। यस, मैं एक बार देख के लिख लेता हूँ, ये हमारे पास फिजिक्स का ही रूल है, ठीक है भाई, ये हमारे पास प्योर फिजिक्स का रूल्स है, इसलिए इसको देख के लिखने में ही फायदा होगा। फिर मैं समझा देता हूँ आपको कि नाउ, पहले आप मेरे साथ साथ लाइन लाइन लिखो, तीन चार लाइनें, कि सिंस ऑल द पॉइंट इन, यहाँ लिखो आप कि सिंस ऑल द पॉइंट इन, सिंस ऑल द पॉइंट, सिंस ऑल द पॉइंट, देखो यहाँ तक हम लिख चुके हैं, सॉरी भाई ये लिख चुके हैं, यहाँ बोलेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज, क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, एल्फा 11, एल्फा 14, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा 11, एल्फा 14, एल्फा 41, एल्फा 44, we use the constancy of a constancy of speed of light, constancy of a speed of a light, yes। यहाँ अगर मैं स्टार लगा दूँ तो आप समझ जाओगे कि आपका फिजिक्स का होने की वजह से एक बार थोड़ा सा रट के चलना पड़ेगा, ठीक है भाई, फिजिक्स का होने की वजह से कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आप गूगल पे सर्च करेंगे, या गूगल पे क्यों करेंगे, अपने जो जेपीएच की बुक है, यही वाली जेपीएच की बुक है, इसमें पेज 13 के ऊपर टॉपिक दे रखा है, ये पेज 13 के ऊपर टॉपिक दे रखा है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 7 से 8 लाइनें दे रखी हैं, आप इनको खुद से एक बार पढ़ना और कुछ कुछ समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें से समझ में आ जाएगा, बाकी यहाँ मैं जो लिखूँ उसको आप सीधा सीधा रिमेम्बर कर लेना, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ स्टार लगा दिया है, ठीक है। लिखो सपोज ए स्पेरिकल वेव, सपोज ए स्पेरिकल वेव ऑफ लाइट लिव ओरिजन पॉइंट ओ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो विद वेलोसिटी स्मॉल सी, therefore it will describe a radius of a city in the time t in capital frames s and in s dash, it will describe a sphere of a city dash radius, yes, city dash radius, thus we have, बस ठीक है, कुछ मजाक में कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया है स्टार, पर इतना भी बड़ा नहीं है जितना आप देख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर हमारे पास है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज एल्फा 11, एल्फा 14, एल्फा 41, एल्फा 44, वी यूज द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यस, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ ए लाइट। तो हमने लिखा कि सपोज ए स्पेरिकल वेव ऑफ लाइट लिव ओरिजिन पॉइंट ओ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो विद वेलोसिटी सी,
विद वेलोसिटी सी। अब की बार आपको वेलोसिटी वी नहीं करना है, क्योंकि हम क्या छोड़ रहे हैं, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट जैसे मान लो हमारे पास वही प्रकाश का वेग माना जाएगा। अगर हम ब्रह्मांड में, जैसे देखो हम पृथ्वी की बात करें तो आपको पता है पृथ्वी की कौन सी शेप है, अंडाकार शेप ही होती है। अगर हम ब्रह्मांड में किसी भी एक पॉइंट से, ओरिजिन से लाइट छोड़ें, देखो अगर हम ओरिजिन पॉइंट ओ से लाइट छोड़ें, मान लो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बात करें, तो मान लो जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ इस पॉइंट ए के ऊपर, और हमें एक पॉइंट पी के ऊपर, स्टार्टिंग में मैं ओरिजिन ओ के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट पी पे मेरे को इस वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट लेने जानी है, यानी मैंने यहाँ से लाइट या प्रकाश की तरंग भेजी, तरंग ये रही स्पेरिकल वेव, ठीक है, गोलाकार शेप में मतलब पृथ्वी पे खड़े हैं उसमें जैसे स्पेरिकल वेव होगी, लाइट यहाँ तक छोड़ी, तो लाइट की क्या बन गई हमारे पास, एक तरंग बन गई। और ये लाइट की तरंग, अब जैसे मान लो इसकी रेडियस अगर 50 मीटर है, सपोज करो आपके पास घर पे एक टॉर्च है, आपने टॉर्च को ऑन किया और किसी एक फोकस पे मारा, अब आप उस टॉर्च को चारों तरफ घुमाओगे, देखो इस उस टॉर्च को आप चारों तरफ घुमाओगे तो वो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा या स्पेयर बनेगा, सपोज करके देखो सर्किल तो ऐसे बनेगा अगर आप केवल टॉर्च को ऐसे घुमाते हो, अगर आप चारों डायरेक्शन में ऊपर नीचे जिधर भी आप मतलब रेडियस पे फिक्स करके टॉर्च को चारों ओर घुमाओगे तो क्या बनेगा, एक स्पेरिकल बनेगा। जैसे आपने बहुत बार शादी वगैरह में देखा होगा जो हाई रेंज की लाइटें रहती हैं, तो चार पांच लाइटें ऊपर रहती हैं बादलों की ओर घूमती रहती हैं और दूर से ही दिखाई दे जाता है कि यहाँ कोई फंक्शंस वगैरह होता है। अगर वो लाइट चारों ओर घुमा दी जाए और उनकी अगर रेडियस से मापा जाए तो वो क्या होगी, जैसे ये मेरे पास क्या होगी, फिक्स कर दी टॉरच, ये उस टॉरच की रेडियस होगी, चारों तरफ घुमाएंगे तो क्या बनेगा, इतना ही व्हाइट बोर्ड के इधर आएगा, इतना ही पीछे जाएगा, एक स्पेयर बनेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, सपोज ए स्पेरिकल वेव लाइट लिव ओरिजिन पॉइंट ओ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, और उसकी कितनी स्पीड से लाइट गई, मतलब आपकी टॉर्च की रोशनी अगर 50 मीटर है तो वो एक प्रकार से प्रकाश के वेग की तरह चलेगी, तो विद वेलोसिटी सी देयरफॉर इट डिस्क्राइब ए रेडियस ऑफ सिटी, उस वक्त उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सिटी, क्योंकि वही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम डी डी इज इक्वल टू वी टी। यहाँ वेलोसिटी हमारे पास क्या है, प्रकाश का वेग सी है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी ये डिस्प्लेसमेंट डी के बराबर है, ये किसके बराबर आ जाएगी सी टी के बराबर, ठीक है। तो सपोज ए स्पेरिकल वेव ऑफ लाइट लिव ओरिजिन ओ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो विद वेलोसिटी सी देयरफॉर इट विल डिस्क्राइब ए रेडियस ऑफ ए सी टी इन टाइम टी इन फ्रेम एस। अब इसका उल्टा कर लो, जस्ट एस डैश फ्रेम के अंदर क्या आ जाएगा, जस्ट एस डैश फ्रेम में रेडियस कितनी आ जाएगी सी टी डैश, उसमें भी रेडियस स्पेयर बनेगा और उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी सी टी डैश। देखो आप सी डैश टी डैश मत लगा देना, अगर आप एस के आप लगाओ, देखो एस के आपने लगाया एस डैश, टाइम टी के आपने लगाया टाइम टी डैश, उस वक्त सी के ऊपर सी डैश मत लगा देना, क्योंकि सी इज इक्वल टू फिक्स 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये प्रकाश का वेग है, ये फिक्स रहेगा, इसलिए क्या आ जाएगा सी टी डैश आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मान के चलूँगा यहाँ आपको स्पेरिकल वेव बनती हुई नज़र आ रही है, अगर नज़र नहीं है तो अपने घर पर टॉर्च जरूर होगी, उस टॉर्च को पकड़िए चारों ओर घुमाइए, जहाँ जहाँ तक आप घुमाओगे फिर इमेजिन कीजिए टोटल एक प्रकार से ब्रह्मांड सा बन जाएगा और वो हमारे पास एक वेव दिखाई देगी, और हमारे पास टॉर्च की जितनी लंबाई, जैसे मान लो मैंने यहाँ से टॉर्च ऑन किया और इसकी रेंज मार करके इस ढक्कन तक है, अब मैं इसको चारों तरफ घुमाऊंगा ऊपर नीचे हर शेप के अंदर, तो ये क्या बनेगा हमारे पास एक स्पेयर बनेगा, और एक प्रकार से ये क्या है यही एक रेडियस बन जाएगी, मतलब जितनी मीटर तक हमारी लाइट गई उतनी ही मीटर तक वो क्या बन जाएगी रेडियस बन जाएगी। तो एक प्रकार से हमारे पास स्पेरिकल वेव आ गई जिसकी रेडियस कितनी आ गई सी टी आ गई। ये क्यों आई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, और इसका डिस्प्लेसमेंट यानी लाइट मैंने यहाँ से छोड़ी ऑन किया और लाइट की लास्ट रेंज यहाँ तक पहुँची, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ लाइट का, और इतना ही डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या कहलाएगा इसका रेडियस कहलाएगा, और ये रेडियस से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, या टी को इधर लाएंगे सी टी, वेलोसिटी वी की जगह आपको सी लेना है।
ध्यान देना, एस डैश के अंदर हम इसको क्या करेंगे, सी टी डैश लिखेंगे। अगर आपने गलती से सी डैश टी डैश लगा दिया तो एक बार रुक जाइए, क्योंकि सी प्रकाश का वेग कांस्टेंट होता है, ये कभी नहीं बदलने वाला है। और ये हमने लेक्चर वन के अंदर भी बेसिक के बाद जो हमने पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखवाया था उसके अंदर भी बताया था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से स्टार हटा लेता हूँ, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, मेरा मूड नहीं था इसे समझाने का, दो लाइनें याद ही रखवाता, फिर भी मुँह चलो लेक्चर लंबा जाए तो कोई बात नहीं, बट समझ में आना जरूरी है। तो ये होती है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ ए लाइट, ठीक है। अब हम लिखेंगे दस वी हैव। अब आपको इक्वेशंस लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको आप मानोगे इक्वेशंस नंबर 8 एंड एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, इसको आप मानोगे इक्वेशंस नंबर 9। एक्चुअली यहाँ स्टार लगाऊंगा मैं, ये कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जितना मैंने ये इधर लिखा है उसकी वजह से ये हमारे पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ भी चलो समझा देते हैं, छोड़ो स्टार का, आप मेरे को ये बताओ इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या होता है। यस गाइज, आप मेरे को बताओ इक्वेशंस ऑफ स्पेयर क्या होता है। तो अगर मैं आपको गोले का समीकरण याद दिलाऊं तो इतना तो याद आ गया होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड हुआ करता था 3D नाम से, वहाँ मेरे पास गोले का समीकरण ऐसे होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। रेडियस का होल स्क्वायर कुछ बच्चे आर स्क्वायर बोल सकते हैं, कुछ बच्चे इसको ए स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर दूसरा ये तो होता था गोले के समीकरण का सरलतम रूप। दूसरा हमारे पास ऐसे होता था, देखो ये गोले का इक्वेशन कब होता था स्पेयर का, जब मेरे पास इसका ओरिजिन 0 0 0 हो। फिर गोले का दूसरा इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी एक्स वाई और जेड एफ जी एच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2fx एफ जी एच की बजाय अपने uvw लिए थे वहाँ फर्स्ट ईयर के अंदर, 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास इसके सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू हुआ करते थे। तो बताओ यहाँ हमारे पास जो हमने लाइट ऑन की, मान लो हमने लाइट ऑन की कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से, मान लो यहाँ तक लाइट की क्या आई, रेंज आई, चारों तरफ घुमाया तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्पेयर। तो बताओ इसके ओरिजिन क्या बन गया, 0 0। तो इक्वेशन ऑफ स्पेयर हम क्या लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। अब बताओ पहले वाले स्पेरिकल वेव की रेडियस कितनी थी, सी टी, तो मैंने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, यानी सी टी का होल स्क्वायर या सी स्क्वायर टी स्क्वायर। और दूसरे वाली फ्रेम आप ऐसे लिखोगे आगे, इन फ्रेम एस, इन कैपिटल एस लिख लो, और इसको लिखो इन एस डैश, एस डैश के अंदर फ्रेम हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। और यहाँ रेडियस हमारे पास कितनी है, सी टी डैश, देखो दूसरे वाले के लिए कितनी है, सी टी डैश, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आपको कतई रटने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली हमारे पास कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइटिंग क्या होता है। तो ऐसी बातें कोई नहीं समझेगा कि यहाँ स्पेयर बनेगा तो ये आएगा, ये इक्वेशन का स्पेयर होता है। तो आपको याद रखना होगा, बीएससी आपकी अच्छे से नहीं हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं आप ही लोग फॉल्ट हो, उस वक्त आपने ज़रूर पैसा बचाया होगा, ठीक है। तो चलो वापस अगर मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँ, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको क्या करना है इसको समझने के लिए, आप इस फिक्स पोजीशंस के ऊपर खड़े हो और मान के चले कि आपके हाथ में टॉर्च है, आपने यहाँ से टॉर्च जलाई अपने घर पे और टॉर्च की लास्ट रेंज यहाँ तक पहुँची, मेरे इस मार्कर की लेंथ के बराबर तक पहुँची, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के चारों ओर घुमाऊँगा, देखो अब मैं इसको पकड़ के चारों ओर घुमाऊँगा इस रेंज को,
अब ये मेरे पास इधर भी बना हुआ उधर भी बना हुआ, ये मेरे पास बन गया स्पेयर, ये मैं बोलूँगा गोलाकार या गोलीय ध्रुव है, उत्तरी ध्रुवार्ध गोलार्ध सुना ना, वही बनेगा हमारे पास गोला। अब ये जो रेडियस है, अब ये रेडियस हमारे पास क्या होगी, ये प्रकाश की लाइट के इक्वल है, ये हमारे पास क्या है ओरिजिन पॉइंट है। और ये जो वेव है स्पेरिकल वेव बोलेंगे, एक प्रकार से एक तरंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट ने क्या किया डिस्प्लेसमेंट, आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। यहाँ जो हमारे पास वेलोसिटी है लाइट की वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, एक प्रकार से प्रकाश का वेग मानेंगे, सी इज इक्वल टू डी टी या डी इज इक्वल टू सी टी। तो ये हमारे पास यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बना, इसको मैं एक बार क्या लिखूंगा सी टी, ठीक है। और इसके पॉइंट क्या है मेरे पास एक्स वाई जेड एंड ए टी लिखा था ना स्टार्टिंग के अंदर, ये पॉइंट एक्स वाई जेड एंड ए टी। अब आप जानते हैं कि गोले का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस कितनी है सी टी, तो यहाँ हो गया सी स्क्वायर टी स्क्वायर इन फ्रेम एस। फिर दूसरे के लिए कितना आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, तो एक्स की जगह एक्स डैश वाई की जगह वाई डैश जेड की जगह डैश जेड डैश टी की जगह टी डैश, लाइट का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा सी का सी ही रहेगा। तो आगे लगा दिया हमने इन एस डैश, बस मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको दोबारा समझा दिया। अब आपको कंस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आप बुक में पढ़ के देखोगे दोबारा, आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, अब एक बार पढ़ के देखना जेपीएस की बुक में पेज 130 के ऊपर है, अब आपको कुछ कुछ समझ में आएगा कि हाँ हम कुछ कुछ ये प्रकार से लाइट ऑफ वेलोसिटी वगैरह वगैरह बोलना चाह रहे हैं। तो मेरे पास से इस लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस में जितना समझाने लायक था मैंने समझा दिया है, अब आगे हमारे पास कैलकुलेशन है जिसको हम थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं, ठीक है। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन एट, फ्रॉम इक्वेशन एट, क्या इक्वेशन एट से हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। फ्रॉम इक्वेशन नाइन कुछ खास फर्क नहीं है, कैलकुलेशन है कैसे भी कर सकते हो, अपनी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करो या फिर मेरी नकल करो, ठीक है। मैं भी ठीक ठीक ही करवाऊंगा, कुछ ना कुछ इजी वे में ही करवाऊंगा, इसको इधर ले आया इसको इधर ले आया, दोनों तरफ क्या बच गए जीरो। कंपेयर करो दोनों इक्वेशन का, कंपेयर इक्वेशन से 10 एंड 11 वी गेट, कंपेयर इक्वेशन 10 एंड 11 वी गेट। कंपेयर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी जीरो के बराबर है और ये भी जीरो के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के बराबर हो गए। टी डैश स्क्वायर, देखो इसको 12 मत कर देना भाई, टी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इक्वेशंस 4 से वाई डैश इज इक्वल टू वाई जेड डैश इज इक्वल टू जेड, y डैश इज इक्वल टू वाई जेड डैश इज इक्वल टू जेड, आप लिखोगे यूजिंग इक्वेशंस 4 y डैश इज इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड। सो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, देखो y से y डैश कट जाएगा एंड हमारे पास जेड से जेड डैश कैंसिल से हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास आगे और वैल्यू देखो, आगे क्या करें इसमें, आगे आगे टारगेट यहाँ से आप रख सकते हो अक्स डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास एल्फा 11 अक्स प्लस एल्फा 140, देखो अक्स डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है एल्फा 11 अक्स एल्फा 140 एंड टी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है एल्फा 41 अक्स और एल्फा 440। अब अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, चलो यहाँ तो मैं बता दूंगा आपको समझ में आ जाएगी, बट आप खुद से करने बैठोगे तो अचानक से आपके मन में ये विचार आएगा कि मैं अक्स डैश की वैल्यू इक्वेशन 3 से लूँ या फिर मैं इक्वेशन 7 से लूँ, ठीक है, ये बाद में साइड इफेक्ट होगा। अभी तो चलो मैं ये लिख देता तो आपको पता भी नहीं चलता, आप ऊपर पलट के देखते भी नहीं कि इक्वेशन 7 में भी एक्स डैश लिखा हुआ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों में से आप कोई भी रख लो आपकी मर्जी, अगर ये रखेंगे
तो बाद में, या फिर ये रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी काम में लेंगे। मेन टारगेट आपको पता चल गया, इन चार की वैल्यू लेके आना है। तो चलो इक्वेशन सेवन से रख लो, यूजिंग इक्वेशन सेवन, यूजिंग इक्वेशन सेवन एंड फाइव इन अबव इक्वेशन से, इन अबव इक्वेशन से वी गेट। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से वैल्यू रखिए या फिर यहाँ से वैल्यू रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट भी काम में ले लेंगे, यहाँ से करेंगे तो ये रिजल्ट काम में ले लेंगे। एक ही बात है, आप दोनों तरीके से करके देख सकते हो। तो चलो रखिए वैल्यू, ये तो रह जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश। एक्स डैश की वैल्यू क्या है भाई, एल्फा वन वन एक्स माइनस वी टी, एल्फा वन वन एक्स माइनस ए वी टी। और देखो एक्स डेस का क्या है, होल स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और टी डेस का होल स्क्वायर। टी डेस की वैल्यू क्या है भाई, एल्फा फोर वन एक्स प्लस एल्फा फोर फोर टी। देखो टी डेस की वैल्यू क्या है, एल्फा फोर वन एक्स प्लस एल्फा फोर फोर टी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो। देखो इन ऐसी कैलकुलेशंस का करने का यही तरीका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ से ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एल्फा वन वन का होल स्क्वायर से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर से माइनस टू वी एक्स टी। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर एल्फा फोर वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा फोर फोर का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू एल्फा फोर वन एल्फा फोर फोर एक्स टी एक्स टी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, ऐसे वैल्यू नहीं निकलेगी आप लोगों से, तो आप एक बार मुझे फॉलो कीजिए। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशेंट ऑफ, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशेंट ऑफ, एक कोफिशेंट तो आप ले लो एक्स स्क्वायर का, एक कोफिशेंट्स ले लो टी स्क्वायर का एंड एक कोफिशेंट्स ले लो एक्स टी का, रिस्पेक्टिवली वी गेट। अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, इतना इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो गया कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः है। पहले दोनों साइडों में एक्स स्क्वायर्स कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, ऐसे लिखो, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड बोथ साइड द कोफिशेंट्स ऑफ, पहले कोफिशेंट लेंगे एक्स स्क्वायर का, फिर कोफिशेंट लेंगे टी स्क्वायर का, फिर लेंगे एक्स टी का, कैसे भी लिख लो, पर यहाँ आगे क्रम से लगाएंगे। तो यहाँ देखो हमने पहले एक्स स्क्वायर लिखा तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट का कंपेयर करेंगे, टी स्क्वायर लिखा है तो टी स्क्वायर का कोफिशेंट करेंगे और एक्स टी लिखा हुआ है तो हम एक्स टी के कोफिशेंट की तुलना करने वाले हैं, जिससे क्या कि हमारे पास इक्वेशन से एक पर्टिकुलर रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो चलो करो एक्स स्क्वायर की कोफिशेंट की तुलना करो। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट कितना है, वन है। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है, एल्फा वन वन का होल स्क्वायर, एल्फा वन वन का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर एल्फा फोर वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट एक ये आ गया, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किया गया और एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आ गया। या फिर हम इस इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, एल्फा वन वन का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एल्फा फोर वन का होल स्क्वायर से इज इक्वल टू वन। और हम कहाँ तक आ चुके हैं भाई, इक्वेशन सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व है, शायद हम इक्वेशन 11 तक आ चुके हैं। अब आप इसको एक बार इक्वेशन से 12 मान लो। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट। अब करो टी स्क्वायर के कोफिशेंट की तुलना। यहाँ से टी स्क्वायर कितना है, माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर का कोफिशेंट एल्फा वन वन का होल स्क्वायर, एल्फा वन वन का होल स्क्वायर से इंटू वी स्क्वायर, इंटू में वी स्क्वायर
और यहां से टी स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस सी स्क्वायर एल्फा फोर फोर का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो देखो यहां से टी स्क्वायर का कोफिशियंट कितना आ गया, माइनस सी स्क्वायर एल्फा फोर फोर का होल स्क्वायर, यहां से आ गया एल्फा स्क्वायर वन वन और वी स्क्वायर, और यहां से आ गया सी स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, चलो इसको उस साइड ले चलते हैं अपन। या फिर आ गया एल्फा वन वन का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एल्फा फोर फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 13, ठीक है। और तीसरा कंपेरिजन किसका करना है, एक्स टी का करना है। यहाँ देखो एक्स टी का कोई कोफिशियंट नहीं है, इसका मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, जीरो इंटू एक्स टी, है ना। तो मतलब इस साइड में क्या हो गया, जीरो। देखो क्या क्या समझाना पड़ रहा है आपको, अरे जीरो होगा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ से एक्स टी का कोफिशियंट कितना है, माइनस का टू वी एल्फा वन वन स्क्वायर, एल्फा वन वन का होल स्क्वायर से और माइनस का टू वी, ठीक है। और यहाँ से माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर टू एल्फा, टू एल्फा फोर वन एल्फा फोर फोर। यहाँ से एक्स टी का कोफिशिएंट कितना आ गया, माइनस का सी स्क्वायर से टू एल्फा फोर वन एल्फा फोर फोर। या देखो टू कॉमन लेके, माइनस टू कॉमन लेके जीरो में ले आओ, माइनस टू कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एल्फा वन वन का होल स्क्वायर वी माइनस सी स्क्वायर एल्फा फोर वन एल्फा फोर फोर, माइनस टू चला गया जीरो के अंदर। तो तीसरी इक्वेशन में हमारे पास कितना बचेगा कि एल्फा वन वन का होल स्क्वायर इंटू वी माइनस सी स्क्वायर एल्फा फोर वन एल्फा फोर फोर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन नंबर 14, ठीक है भाई। तो हमारे पास एक आ गई इक्वेशन 12, एक आ गई इक्वेशन 13, एक आ गई इक्वेशन 14। उम्मीद है यहाँ तक आपको कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो दो गोले की इक्वेशंस लिखी हैं ये क्यों लिखी हैं इसको आप बखूबी समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो चलो अब हमारे पास यहाँ से मुख्य उद्देश्य, बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, बार बार बोलूँगा तो कहीं आप बोरा मान जाओगे, यही वैल्यू निकालना है। कुछ ध्यान आया, यहाँ से हमने निकालना है एल्फा वन वन एल्फा वन वन एल्फा फोर फोर और एल्फा फोर वन। तो देखो अगर मैं इक्वेशन से सिक्स की हेल्प लूँ, कहाँ से ले सकते हैं भाई, इक्वेशंस की हेल्प नहीं ले सकते भाई, क्योंकि ये वन फोर है और ये वन वन है। वन वन की जगह वन फोर रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाकी फोर वन और फोर फोर है। तो देखो ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 12, इक्वेशन 13, इक्वेशन 15। अब यहाँ से आपके लिए चैलेंज रहेगा एल्फा वन वन की वैल्यू निकालना, एल्फा फोर वन की वैल्यू निकालना और एल्फा फोर फोर की वैल्यू निकालना। अगर आप एल्फा वन वन की वैल्यू निकाल लोगे तो अपन इक्वेशन सिक्स में रख के एल्फा वन फोर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ आके आपको सीधा रिजल्ट्स याद रखना होगा, ठीक है भाई। यहाँ आने के बाद आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट्स याद रखना होगा। और अगर मैं ये रिजल्ट्स लिखना चाहूँ तो हमारे पास तीन वैल्यू आएंगी। हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 12, 13 एंड 14। आप ऐसे बोलोगे भाई फ्रॉम इक्वेशन, थोड़ा आइडिया दे दूंगा मैं आपको, 12, 13 एंड 14, एल्फा वन वन की वैल्यू आएगी हमारे पास, एल्फा वन वन की वैल्यू आएगी ई वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एल्फा फोर फोर की वैल्यू आएगी हमारे पास ई टू अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एंड एल्फा फोर वन की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का ई टू वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसको आप मानोगे इक्वेशंस नंबर 15, इसको आप क्या मानोगे भाई, इक्वेशंस नंबर 15। अब पहले तो आपको दिक्कत देंगे ये E1 और E2 क्या है, तो लिखो वेयर E1 एंड E2 आर, लिखो वेयर E1 एंड
ई टू आर इंडिकेटर, इंडिकेटर जो हम गाड़ियों में देते हैं, बाइक पे देते हैं, बहुत साइड वाले, एक आई ई वन और एक ई टू। वेयर ई वन एंड ई टू आर सो दैट इंडिकेटर्स। ठीक है, वेयर ई वन एंड ई टू आर इंडिकेटर्स, एंड आप लिखोगे ई वन की वैल्यू भी हमारे पास प्लस माइनस वन है और ई टू की वैल्यू भी हमारे पास प्लस माइनस वन है, यानी हमारे पास या तो ये प्लस माइनस वन आएगा या भी ये भी प्लस माइनस वन आएगा या ये भी प्लस माइनस वन आएगा। अब इस वैल्यू को आपको थोड़ा सा आइडिया से याद रखना है। यस, इस वैल्यू को आप थोड़ा सा आइडिया के साथ याद रखोगे। जैसे आपको एक बार ऐसे करो कि एल्फा वन वन को तो आपने मान लिया ए, देखो ऐसे करो कि एल्फा स्क्वायर वन वन को तो आपने मान लिया ए, एल्फा फोर वन का होल स्क्वायर है इसको मान लिया आपने कैपिटल बी, एल्फा फोर वन का होल स्क्वायर इसको आपने मान लिया कैपिटल बी, और एल्फा फोर फोर का होल स्क्वायर है इसको आपने चलो मान लिया एक बार डी मान लो, सी तो यहाँ लिखा हुआ है, तो एक बार सपोज कीजिए ये कितना आ गया ए। देखो ध्यान से इसको अपने क्या माना है, वैसे रफली बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, इसको हमने क्या मान लिया ए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, इसको अपने क्या मान लिया बी इज इक्वल टू वन, इसकी जगह हमने क्या माना है ए, इसकी जगह अपने क्या माना है ए माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर फोर फोर की जगह हमने क्या माना है कैपिटल डी, यहाँ देखो इसकी जगह अपने क्या माना है ए माइनस सी स्क्वायर, एल्फा फोर वन को अपने क्या माना है, तो ये आ जाएगा रूट बी और ये आ जाएगा रूट डी, देखो ये आ जाएगा रूट बी और ये आ जाएगा रूट डी। ठीक है भाई, इसमें हमने होल स्क्वायर को बी माना अपनी मर्जी से, इसको आपने माना है डी। तो अगर मैं इस इक्वेशन से ऐसे करूं कि इसको इस साइड में ले आओ सी स्क्वायर रूट बी डी, दोनों पक्षों का इसका वर्ग कर दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी की पावर फोर बी डी, यहां से ए की वैल्यू निकालो तो ये कितने आ जाएगी माइनस बी सी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आप यहां रखो वन माइनस बी सी स्क्वायर, वन माइनस है बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन ले लो, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ही सी स्क्वायर, मतलब ए बी डी की करके वैल्यू निकालोगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास इस टाइप्स के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में रूट है, रूट करेंगे तो हमारे पास बाहर निकालेंगे तो क्या आएंगे प्लस माइनस कहेगा आएगा, और उस प्लस माइनस वन को ही आप ई वन मानो और यह आप ई टू मानो, अपनी मर्जी से हमने एक बार इंडिकेटर दे दिए कि एल्फा वन वन के लिए ई वन है और एल्फा फोर फोर के लिए ई टू है। ठीक है, और इक्वेशन 15 को, इक्वेशन 15 के आप नीचे ऐसा कैसा लिख लो रिमेंबर, इसे रिजल्ट को हम आगे चल के काम में लेने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा आइडिया हो गया इस प्रकार से वैल्यू निकालनी है, और यहाँ मैथमेटिक्स के आपको सारे रूल्स याद आ जाएंगे एलजेब्रा के, इससे अच्छा है कि इन तीन इक्वेशंस आने के बाद आप इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट याद ही रख लो। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारे पास ये आ गई है इक्वेशंस नंबर 15, और इक्वेशंस 15 में हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए हैं, तो मैं एक बार इक्वेशंस 15 को यहाँ लिखने की कोशिश कर लेता हूँ। ई वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और एल्फा फोर फोर इज इक्वल टू ई टू अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, देखो याद रखने के लिए ऐसे याद है, तीनों के नीचे रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसके लिए ई वन, इसके लिए ई टू, और एल्फा फोर वन के लिए माइनस का ई टू वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास, तीनों को मिक्स मान लिया हमने इक्वेशन 15, ध्यान रखना पहले वन वन है और फिर फोर फोर है, फिर वन फोर वन है न कि वन फोर, देखो वन फोर अलग है और फोर वन अलग है,
यहां से देख लो, 1 4 अलग है और 4 1 अलग है। तो ये हम वैल्यू निकाल लिया है कि ये हमारे पास एल्फा 1 आएगा, एल्फा 2 आएगा, ये हमारे पास इंडिकेटर आ गए, साथ साथ E1 आ गया एंड E2 आ गया। अब ये वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो और आंसर्स निकाल लो हमारे पास एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश का। यस, ये वैल्यू उठाओ और वैल्यू निकाल लो अपने एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश का। तो हम बोलेंगे कि चूंकि टू सिस्टम आर कोइंसाइड। देखो स्टार्टिंग के अंदर आपने लिखा होगा कहीं ना कहीं इनिशियली ओ एंड ओ डैश इज कोइंसाइड, यानी स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास ये एक दूसरे के ऊपर हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी टेक E1 इज इक्वल टू 1 एंड E2 इज इक्वल टू 1, यानी उस कंडीशन में हमारे पास इंडिकेटर E1 भी पॉजिटिव आएगा एंड इंडिकेटर E2 भी हमें पॉजिटिव लेंगे। तो अब ये चक्कर भी खत्म हो गया कि हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, ठीक है। तो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशंस, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम इक्वेशंस 3। अब सिंपल है, फ्रॉम इक्वेशंस 3 हमें x डैश निकालना है, y डैश, z डैश एंड t डैश। तो निकालो x डैश इज इक्वल टू α11 और α11 की वैल्यू आप क्या रखोगे, E1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और देखो साथ साथ E1 को भी क्या लोगे, 1, E1 को भी क्या लोगे, 1। तो α11 इंटू अक्स प्लस α14, हेलो ध्यान से, प्लस α14, देखो प्लस α14। तो अगर आप ध्यान दोगे तो α14 इज इक्वल टू कितना है, माइनस α11v। यस, या आप ऐसे करो कि इस अक्ष डैश का मान आप चाहो तो डायरेक्ट यहां भी रख सकते हो, तो आप ऐसे बोलो फ्रॉम इक्वेशन 7, एक ही बात है दोनों, यहां रखें तो α14, यहां से α14 निकाल के लेके आना होगा, ठीक है। तो अक्स डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, α11 इंटू अक्स माइनस वीटी। α11 की वैल्यू हमने ये रख दी, E1 का वैल्यू 1 है, इंटू में कितना आ जाएगा, अक्स माइनस वीटी, इंटू में हमारे पास कितना आ जाएगा, अक्स माइनस वीटी। वाई डैश इज इक्वल टू क्या है, वाई, जेड डैश इज इक्वल टू क्या है, जेड, ये हमारे पास इक्वेशंस 4 से है। एंड टी डैश इज इक्वल टू क्या है, टी डैश इज इक्वल टू α41, और ये रही α41 की वैल्यू, E2 की जगह 1 रखोगे तो माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो α41 की वैल्यू ये रही, E2 की जगह आपको यहाँ से 1 रखना है, इंटू में अक्स लगाना है प्लस α44, इंटू में आपको अक्स लगाना है प्लस α4 की वैल्यू आ गई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है भाई। देखो α41 की वैल्यू ये रख ली, E2 की जगह अपने को 1 रखना है और इंटू में एक्स, α44 की वैल्यू आ गई, इंटू में यहाँ अपने को टी लगाना है और साइड में हम लिख देंगे यूजिंग 5, साइड में हम क्या लिख देंगे, यूजिंग 5। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो और टी डैश इज इक्वल टू कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले भाई, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर्स, तो यहां से तो बचेगा टी और यहां से बचेगा माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट्स आ गए, यही रिजल्ट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, यही रिजल्ट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आप लिखो आता है या सो, एक तो आप लिखोगे अक्स डैश की वैल्यू, एक आप लिखोगे वाई डैश की वैल्यू, एक आप लिखोगे जेड डैश की वैल्यू और एक है टी डैश की वैल्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे आता है अक्स डैश हमारे पास कितना आ गया भाई, सो अक्स डैश हमारे पास कितना आ गया,
चाहे तो इसको लिखा रहने तो कोई बड़ा फायदा नहीं, या फिर आप एक साथ और लिख सकते हो, अक्स डैश इज इक्वल टू अक्स माइनस वी टी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया अक्स डैश, ये आ गया मेरे पास वाई डैश, ये आ गया मेरे पास जेड डैश, और ये आ गया मेरे पास टी डैश। टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी अक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और ये चारों इक्वेशन ही हमारे पास क्या कहलाती हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है भाई, तो आप लिखोगे कि ये चारों इक्वेशंस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि विच इज नॉन एज, देखो अब आप लिख सकते हैं कि विच इज नॉन एच। तो ये हमारे पास किस नाम से जानी जाएंगी भाई, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, विच इज नॉन एज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, या फिर स्पेशल से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशल से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से याद रखोगे, जब जब आपको एग्जाम में पूछा जाए फाइंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से या फाइंड स्पेशल से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, उस वक्त आपको क्या निकालना है, यहाँ तक ये चार रिजल्ट्स निकाल के छोड़ने हैं, या अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस आ जाए, देखो या फिर हमारे पास कोई क्वेश्चंस आ जाए जिसमें नाम आ जाए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, उस वक्त हम इस इक्वेशंस को सीधा काम में लेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट्स, यू हैव रिमेंबर दिस रिजल्ट इन टिल जुलाई 2023, है ना, शायद लगभग जुलाई 2023 से पहले पहले आपके एग्जाम हो जाएंगे, तब तक आप इनको ऐसा कैसा याद रखिए, अक्स डैश इज इक्वल टू अक्स माइनस वी टी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर मैं आपको पूछूं कि अक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्स वाई जेड टी क्या है, तो आप अपना वही डायग्राम बनाओगे, पहली वाली फ्रेम दूसरी वाली फ्रेम, पहली वाली फ्रेम के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी, दूसरी वाली फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई जेड डैश जेड डैश टी डैश है, इसको हम खींच के लाए हैं वी वेग से, तो देखो एक्स डैश आ गया, वाई डैश आ गया, जेड डैश आ गया, टी डैश आ गया, एक्स वाई जेड टी आ गया, ये वी बचा, वी वेग से हम खींच के लाए हैं, और सी क्या है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए लाइट, वेयर वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ ए लाइट, या फिर ये हमारे पास प्रकाश का वेग है, नहीं लिखेंगे प्रकाश का वेग, इसकी बजाय आप ऐसे लिखिए 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास सी क्या है, वेलोसिटी है। अब मैं निश्चिंत हूँ कि आप यहाँ तक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप नोट लगा के लिखोगे, देखो कुछ बहुत ही काम की बात है हमारे पास है। मैं बोलूं कि व्हेन वी ग्रेटर 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 सी या फिर लेस 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 सी, समझो एक बार फिर लिखो आप, मैं बोलूं कि व्हेन वी ग्रेटर ग्रेटर सी या वी लेस 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 सी, तो आप कौन से रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, ऊपर वाले से या नीचे वाले से, तो आपको पता है सी हमारे पास प्रकाश का वेग होता है, कि कोई भी वेग हमारे पास प्रकाश के वेग से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए नीचे वाला रिजल्ट ट्रू है, ये वाला रिजल्ट रॉन्ग है। अरे भाई सी हमारे पास देखो कितना बड़ा है, 3×10⁸ लगाए जाओ, और क्या हम इतने वेग से इस फ्रेम को खींच पाएंगे, देखो क्या हम इतने वेग से इसको खींच पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि वेन
वेन वी ग्रेटर लेस 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 सी, वेन वी लेस 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 सी, या फिर सी ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। अरे कोई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है, एक ही बात है ना, उल्टा करके लिख दो चाहिए इसको। वेन वी लेस 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 सी, सो दैट इम्प्लाइज v अपॉन c लेस 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 लेस, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि v अपॉन c लगभग लगभग जीरो, मतलब ये c इधर आएगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये प्रकाश का वेग है, ये इस वेग से बहुत बड़ा है, तो c की जगह आप इनफाइनाइट रख सकते हो। या तो आप ऐसे कर लो v अपॉन c इज इक्वल टू जीरो, या फिर आप ऐसे लग दो कि C इज इक्वल टू लगभग लगभग इनफाइनाइट है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, इसकी कंपैरिजन में भी छोटा है। सो फ्रॉम इक्वेशन ए, देखना ध्यान से, सो फ्रॉम इक्वेशन ए अपने को C की जगह क्या रखना है, इन्फिनिटी। तो आपको पता है वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये कितना हो जाएगा, वन, वन को रूट से बाहर निकालेंगे तो वन। तो उस कंडीशन में एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, एंड सी की जगह इन्फिनिटी रखोगे एक, सी की जगह इन्फिनिटी रखोगे एक, टी डैश इज इक्वल टू टी, यस टी डैश इज इक्वल टू टी। अगर आपने ये कंडीशन रख दी कि देखो प्रकाश का वेग अनंत है, उस कंडीशन में हमारे पास है, ध्यान से देख लेना, C की जगह इन्फिनिटी रखोगे, V की जगह जीरो नहीं रखना है। तो उस वक्त कितना आ जाएगा, X डैश इज इक्वल टू X माइनस वी टी। अगर आप V की जगह जीरो रख दो तो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि C बड़ा है, इसका मतलब C इन्फिनिटी है, या फिर V अपॉन C जीरो है। तो इसको V अपॉन C जीरो कर दो, V अपॉन C जीरो कर दो, V अपॉन C जीरो कर दो, तो ये मेरे पास रिजल्ट आएंगे। और ये रिजल्ट हमारे पास जाना जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यस, विच इज नॉन एज, विच इज नॉन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ भाई, ये बात आई थी गैलीलियन के ध्यान में कि अरे अरे देखो देखो प्रकाश का वेग तो बहुत बड़ा होता है। तो GALILEAN, ठीक है, ये गैलीलियन के ध्यान में आ गई, तो उन्होंने साथ साथ अपना नाम भी थोप डाला हम पे कि देखो ये हमारे पास क्या कहलाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब आप इतने समझदार खुद से हो कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हो ध्यान से सुनो, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए फाइंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, तो क्या आप इसका इतना सा आंसर लिख के आओगे, नो, हमने लेक्चर 2 का पूरा लिखना है और इस लेक्चर 3 का पूरा लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद लॉरेंट्ज, कहने का मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन करना ही करना है, प्लस ये छोटी सी कंडीशन और जोड़नी है, ठीक है। शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो इतना सा लिख के 10 नंबर लाने की आशा करेगा, समझ गए ना, ये बात भी मैं बता देता हूँ भाई, ओके। तो ये था हमारे पास लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये इक्वेशंस हमारे पास कहीं भी मैं काम में लूँगा, इसलिए मैं मान के चलूँगा कि आप इसे बिल्कुल रट लोगे, एक प्रकार से याद कर लोगे। तो मैं एक बार मिटा के, और देखो मेरे साथ साथ बिना देखे लिखने की कोशिश करो। क्या कोशिश करेंगे भाई अपन, हम लिखेंगे कि देखो हम जानते हैं कि, मैं बोलूँ बताओ भाई, लॉरेंट लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस क्या होते हैं, तो तुरंत क्या बोलोगे, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टली याद रखना है, इसे हम कहीं भी काम में ले सकते हैं। अब देखो चलते चलते लास्ट फास्ट टॉपिक है इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, यस,
इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो नाम से ही स्पष्ट है ये क्या पड़ गया, उल्टा पड़ गया। देखो अब की बार क्या लग गया, इनवर्स लग गया, मतलब उल्टा हो गया। देखो ये जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है इसके आप क्या लगा दोगे, इनवर्स यानी उल्टी साइड में ले जाओ। तो लिखो व्हेन द सिस्टम्स एस, लैंग्वेज लिखो भाई, व्हेन द सिस्टम एस, व्हेन द सिस्टम्स एस इज मूविंग रिलेटिव टू, इज मूविंग रिलेटिव टू, इज मूविंग रिलेटिव टू फ्रेम एस डेस, रिलेटिव टू एस डेस विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी देन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ लिखेंगे कुछ, अलोंग एक्स एक्सिस देन इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से, देन इनवर्स लॉरेंट, देन इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से इज गिवन बाई, इज गिवन बाई। देखो अब तक तो हम क्या कर रहे थे, ये वाली फ्रेम हमारे पास ऐसे, ये वाली फ्रेम हमारे पास ऐसे, और इसी के ऊपर दूसरी फ्रेम थी हमारे पास एस डेस, जो हम इस वी वेलोसिटी से अक्ष अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में खींच के इधर लेके गए थे, और इधर लेके गए तो ये फ्रेम हमारे पास आ गई ऐसे। ठीक है, तो ये कहानी तो थी हमारे पास स्पेशल लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या फिर स्पेशल लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स लगा रहे हैं उल्टा, यानी स्टार्टिंग के अंदर ये फ्रेम है एस डेस भी इधर है, इसको तो रखा रहने दो इधर, और एस को उल्टा खींच लाओ, एस को आप क्या कर लाओ उल्टा खींच लाओ, एस को आप उल्टा खींच लाओ, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं हो गई। इसको खींच के हम इधर लाए, उधर जा रहे थे तो अक्ष अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन वेलोसिटी वी, इधर आए तो वेलोसिटी माइनस वी, मतलब पहले एस को फिक्स करके एस डेस को ले जा रहे थे, अब की बार एस डेस को फिक्स करके एस को ला रहे हैं, या जहां तक पहुंचे हो एस डेस यहां से आप उल्टा आ जाओ माइनस वी। तो आप लिखोगे व्हेन द सिस्टम्स एस इज मूविंग रिलेटिव टू एस डेस विद वेलोसिटी माइनस वी, यस विद वेलोसिटी माइनस v along x-axis then inverse Lorentz transformations equations is given by। तो उल्टा पड़ गया तो कोई बात नहीं, उल्टी डायरेक्शन में आओ तो आप अक्ष की जगह तो आप क्या रखो अक्ष डेस रखो, अक्ष की जगह तो आप क्या रखो अक्ष डेस रखो, y की जगह y डेस रखो, z की जगह z डेस रखो। देखो उल्टा आओ जब अपन क्या करेंगे, अक्ष की जगह तो आप रखो अक्ष डेस, अक्ष की जगह तो आप क्या रखो अक्ष डेस, और अक्ष डेस की जगह क्या रखो अक्ष, वाई की जगह आप रखो वाई डेस, वाई डेस की जगह आप रखो वाई, जेड की जगह आप रखो जेड डेस, जेड डेस की जगह आप रखो जेड, टी की जगह आप टी डेस रखो, टी डेस की जगह आप रखो टी, और वी की जगह माइनस वी रखो, और माइनस वी की जगह आप वी लिखो, या फिर ऐसे कर दो कि इसको इंटरचेंज कर दो वी की जगह माइनस वी। अरे डायरेक्शंस उल्टी होगी तो एक्स एक्स डेस वाई वाई डेस जेड जेड डेस, मतलब पहले फ्रेम एस से एस डेस को खींच के लेके जा रहे थे, अब एस डेस से उल्टी डायरेक्शन में एस को खींच के ले रहे हैं, तो ये तो आपस में चेंज हो जाएंगे और वी की जगह क्या आ जाएगा माइनस वी। देन फ्रॉम इक्वेशन ए वी गेट, देन फ्रॉम इक्वेशन ए, देन फ्रॉम इक्वेशन ए वी गेट। ठीक है, तो अब देखो इसको हमने पहले इक्वेशन ए नाम दिया था, अगर आपके ठीक ठीक याद हो तो, कि वेयर इक्वेशन ए इज नोन एज लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो चलो अक्ष डेस की जगह क्या रखोगे अक्ष, उल्टा रखो, अक्ष डेस की जगह आप क्या रखो अक्ष, अक्ष की जगह आप क्या रखोगे अक्ष डेस, वी की जगह क्या रखोगे माइनस वी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वी, टी की जगह क्या रखोगे टी डेस अपॉन रूट वन माइनस वी की जगह रखोगे माइनस वी, और देखो माइनस माइनस प्लस क्योंकि वापस इसका क्या करना है
होल स्क्वायर करना है। इसी प्रकार वाई डैश की जगह रखोगे वाई, वाई की जगह क्या रखोगे वाई डैश, जेड की जगह क्या रखोगे सॉरी जेड डैश की जगह जेड, जेड की जगह जेड डैश, टी डैश की जगह क्या रखोगे टी, टी की जगह क्या रखोगे टी डैश, वी की जगह क्या रखोगे माइनस वी, माइनस माइनस प्लस वी, वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, सी को देखो प्रकाश का वेग है सी चेंज होगा नहीं, अपॉन रूट के अंदर वन माइनस वी की जगह रखेंगे माइनस वी तो माइनस माइनस फिर से क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे इनवर्स लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज नॉन एज, विच इज नॉन एज इनवर्स लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशंस। तो आपको ये दोनों ही प्रकार के रिजल्ट्स, कहीं हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस या लॉरेंट्ज़ की बजाय स्पेशल नाम भी दे सकते हैं, मैंने आपको लेक्चर वन में ही बता दिया था बेसिक में कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड में स्पेशल वर्ड चलेगा और यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ में जनरल नाम साथ चलेगा। तो ये नीचे वाले चार इक्वेशंस भी आप याद रखोगे, ये तो है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जस्ट उल्टा इनवर्स के अंदर करने का मतलब, सिंपल में तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लेफ्ट में आएंगे और इनवर्स में एक्स वाई जेड लेफ्ट राइट डायरेक्शंस में आएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारे पास लेक्चर, जो लेक्चर टू और लेक्चर थ्री कंटिन्यू चल रहे हैं और ये टॉपिक हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशंस, और इसके अंदर आप कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को एक बार फील करके देखेंगे वही टॉर्च वाली कहानी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और बाकी बच्चों की तरह आपको रटना नहीं पड़े। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास लेक्चर टू लेक्चर थ्री, उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आए तो लाइक शेयर आप जरूर कीजिए। ठीक है, अब आपको मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर फोर में, कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे जो पीछे अब तक एग्जाम में पूछी हुई हैं उसके लेक्चर में। ओके।